श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो आप सब भक्तजन? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस श्रावण के पवित्र महीने में भोले बाबा की पूजा आराधना करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 15 जुलाई दिन शनिवार, श्रावण महीने की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिव भक्त को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो भी भाई बहन कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं, तो आज शिवरात्रि के ही दिन भोले बाबा का उस जल से जलाभिषेक होता है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्रावण की शिवरात्रि है। तो प्राचीन शिव मंदिर से अभी आप लाइव दर्शन देख रहे हैं। शिवरात्रि के दिन मैं डेली की तरह मंदिर आ चुकी हूँ, भोले बाबा की पूजा आराधना कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें भी हैं इस समय, आप लोग देख लो वीडियो में, बहुत सारी बहनें हैं, क्योंकि ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पे तो भक्तों की लाइन ही लगी रहती, पूजा करने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि श्रावण की शिवरात्रि है, और आप लोग भी विधि विधान से पूजा करिए। जो भी भक्तजन हमारे किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से लाइव दर्शन करिए भोले बाबा का, और अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करिए। क्योंकि भोले बाबा इस श्रावण के पवित्र महीने में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जो भी भक्तजन इनकी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इनकी पूजा आराधना करता है, मन से उनको याद भी करता है, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर उसको मन चाहा वरदान दे देते हैं। तो आप लोग भी श्रावण के पवित्र महीने में शिवरात्रि, खासकर शिवरात्रि के दिन अवश्य भोले बाबा के मंदिर जाइए और जलाभिषेक करिए। जो भी आपके पास है फूल बेलपत्र, जो आपसे हो सके भांग धतूरा, हर घर में भोले बाबा को जो भी वस्तु चढ़ती है बहुत आसानी से मिल जाती है, भांग धतूरा हर जगह मिल जाती। तो आप लोग भोले बाबा का विधि विधान से पूजा करिए और अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करिए। तो आज है श्रावण की शिवरात्रि, श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व। श्रावण शिवरात्रि के दिन शिव का पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु श्रावण के महीने में योग निद्रा में हो जाते हैं, इसलिए सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव सृष्टि का उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसलिए श्रावण में शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भोले बाबा की पूजा आराधना पूरे श्रावण के महीने में ही होती है दोस्तों, लेकिन ये जो सावन की शिवरात्रि होती है ये बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसमें कांवड़ यात्री, जो कांवड़ का जल होता है उस दिन जलाभिषेक होता है। क्योंकि कांवड़ यात्री कितने कष्ट से जल लाते हैं, कहां कहां से जाते हैं, तो आज के दिन जलाभिषेक होता है। तो इस मंदिर में भी जलाभिषेक होगा पूरा शुभ मुहूर्त पे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। हर हर महादेव, हर हर महादेव।